देखिए हमारा चिप्स बिल्कुल दुकान जैसा बिल्कुल बनी है। दुकान में जैसा बनाना का चिप्स मिलता है ना, तो इस तरह का बनी है हमारा चिप्स। बस घर में ट्राई करें, घर में बनाए, मस्त खाए, दुकान का खाना भूल जाए, घर में खाए, स्वस्थ खाना खाए। चलिए, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया जरूर लाइक करें, और चैनल पर नया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। फिलहाल आज हम बनाएंगे बनाना चिप्स। तो बनाना चिप्स बनाने के लिए हमने लिया है, देखिए ये वाला बनाना लिया है, तो खरीद क्या लाया है, तो तकरीबन 2 किलो बनाना होगा। तो इसे आज हम बनाएंगे बनाना चिप्स बनाएंगे। तो देखिए, तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो में लास्ट तक बने रहो। तो देखिए, ये जो बनाना हमने लिया है, तो इस तरह इसे हम किस तरह बनाते हैं चिप्स, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चिप्स बनाना। तो देखिए, ये वाला जो बनाना हमने लिया है, तो इससे पहले छिलका निकालेंगे। ये देखिए, इसका ऊपर का जो ग्रीन वाला छिलका है, तो इसे निकाल लेते हैं। तो आप दो तरीके से निकाल सकते हो, ये चाकू से, ये देखिए, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये चाकू से इस तरह काट के, तो इस तरह चीर के, तो इससे निकाल सकते हो, इस तरह निकाल सकते हो छिलका। और भी एक तरीका है, तो ये जो दूसरा तरीका है, तो इसे आप इस तरह भी छिलका से निकाल सकते हो। ये आलू का कटर है, तो इस तरह भी निकाल सकते हो। ये देखिए, ये जो ग्रीन वाला बनाना का जो ग्रीन वाला हिस्सा है, उसे ही निकालना है। बस इस तरह छिलका भी निकाल सकते हो, ये देखिए। तो हम ये आलू कटर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह काट लेते हैं, पहले छिलका निकाल लेते हैं। तो देखिए, केला को हमने छील के, तो ये पानी में डाल के रखा है, तो यहाँ से निकालेंगे और उसे काटना शुरू करेंगे। तो चलिए, तो इसे पहले काट लेते हैं, चिप्स का शेप दे के तो काट लेते हैं पहले। देखिए, बस इस तरह चिप्स बनाना है। तो इसे बनाने के बाद तो हम उसे छानना शुरू करेंगे। और भी है, ये देखिए, तो हम जल्दी जल्दी उसे काट लेते हैं। तो इस तरह का शेप देके, और जितना पतला बनाओगे तो उतना जल्दी वो मतलब फ्राई होगा, तो इतना टेस्ट भी मस्त आएगा, और ज़्यादा मोटा होने से वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा अंदर। तो चलिए, तो शुरू करते हैं अभी। चिप्स बनाने के लिए हमने इस्तेमाल कर रहे हैं वो नारियल का तेल। नारियल का तेल यूज करने से तो ज्यादा दिन तक वो रहता है, तो चिप्स ज्यादा दिन तक रख सकते हो, और इसका जो टेस्ट है नारियल तेल का मस्त आता है, तो इसलिए हमने यूज किया है नारियल का तेल। तो देखिए, डेढ़ है।
तो देखिए नारियल तेल जो है वो जल्दी गर्म होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी डालना चाहिए। देखिए नारियल तेल का जो खुशबू है ना बहुत बढ़िया आता है, वो चीप से बढ़िया बनती है। ये जो नारियल तेल में ज़्यादातर लोग केरला साइड में ये तेल से बनाते हैं चिप्स, लेकिन हमारा ये उड़ीसा में भी बनती है। ये देखिए तो हमने फ्राई करना शुरू कर दिया है, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये दो चार मिनट के अंदर वो हो जाएगा। ये देखिए सब ऊपर आ चुकी है, तो इसे थोड़ा आंच को थोड़ा धीमी कर देते हैं, मीडियम धीमी कर देते हैं। देखिए हमारा बनाना चिप्स बन के रेडी हो चुकी है, एकदम कुरकुरा बन चुकी है, आवाज आ रहा होगा आप लोगों को। ये हमारा फ्राई हो चुकी है, और भी है तो फ्राई करेंगे। देखिए नारियल तेल में अगर आप लोगों को छानोगे तो तेल खर्चा नहीं होगा, बस आप छानते जाओ। देखिए हमने सारा चिप्स बना लिया है, तो देखते हैं देखिए कितना कुरकुरा बना है, कितना खस्ता बना है। देखिए एकदम मस्त बनी है। देखिए आप लोग भी ऐसे ही घर में ज़रूर बनाइएगा, और आप लोग नारियल तेल में छानिएगा, क्योंकि नारियल तेल में ज़्यादा कुरकुरा बनता है और ये जलता नहीं है, और रिफाइंड में छानने से ये कुछ देर के बाद वो लाल पड़ जाता है और ये जलने लगता है, तो जल्दी जल जाता है। देखिए कितना कुरकुरा बनी है, मस्त बनी है। तो चलिए इसमें थोड़ा बीट नमक डालते हैं, जो काला नमक होता है ना, तो उस काला नमक को डाल के मिला लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो एकदम मस्त मज़ा आएगा। तो चलिए ये एक छोटा सा नाश्ता है, अगर ये नाश्ता आप लोगों को पसंद आया ज़रूर लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी आप लोगों को रोज़ रोज़ देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग में। चलिए तो इसमें मिलाते हैं काला नमक, पहले इसको इसमें डाल लेते हैं। देखिए ये रहा काला नमक, तो इसको हमें इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ज़्यादा हमने नहीं डालेंगे, बस इतना हो जाएगा। देखिए मस्त बनी है, तो आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा,
ये जो बनाना चिप्स है एकदम मस्त बनती है नारियल का तेल में फ्राई करने से। तो हमने तो फ्राई करके यहाँ में रखा है, तो खाएंगे सारे लोग, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो चलिए देखिए हमारा बनाना चिप्स बन के रेडी हो चुकी है। चलिए अब थोड़ा थोड़ा खाते हैं, सबको देते हैं थोड़ा थोड़ा। मस्त कुरकुरा वहाँ एकदम मस्त बनी है। चलिए सबको थोड़ा थोड़ा देते हैं हाथ में, तो खाएंगे बैठ के। বিজনে কিছু হাত বড় বিজন এই অনুগুলি হ্যালো বাবা देखिए हमारा चिप्स बिल्कुल दुकान जैसा बिल्कुल बनी है। दुकान में जैसा बनाना का चिप्स मिलता है ना, तो इस तरह का बनी है हमारा चिप्स। बस घर में ट्राई करें, घर में बनाए, मस्त खाए, दुकान का खाना भूल जाए, घर में खाए, स्वस्थ खाना खाए। चलिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया जरूर लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बनाना चिप्स तो बना लिया, तो आप लोगों को दिखाया किस तरह हमने बनाया और किस तरह बनाना को काट के तो प्रिपेयर किया और कौन सा तेल में फ्राई किया, तो आप लोगों को सारा चीज दिखाया। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया जरूर लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। चलिए आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। Thank you.